In sector 11 where I live in Chandigarh, हमारे घर के सामने ही एक मार्केट है, उसमें एक लेडी की दुकान है ड्राई क्लीनर की. वंस आई आस्क्ड हर, गर्मियों के दिन उसके दुकान में ना काफ़ी ज़्यादा लगे होते हैं सूट्स और सिल्क की साड़ियाँ. आई आस्क्ड हर के रमा, तेरे जो क्लाइंट्स हैं वो आजकल भी गर्म सूट पहनते हैं, है ना? पक्की गर्मियों में पीक ऑफ समर्स कौन सूट पहन सकता है? तो शी सेड नो 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 नो, दे आर वेरी रिच, वो मिनिस्ट्री के अंदर है, वो पता नहीं कोई ब्यूरोक्रेट है, कईयों के नाम उसने गिना दिए. मैंने कहा तो ये यहाँ क्यों है सूट, उनके घर में जगह नहीं है क्या? माई क्वेश्चन वॉज वेरी क्लियर कि भाई कहाँ ये गर्मियों में यहाँ सूट क्यों कर रहे हैं. तो मैं आई वॉज ऑफ द ओपिनियन कि भाई गर्मियों में ये ड्राई क्लीनर्स को काम कम हो जाता होगा और ये इन्जॉय करना चाहिए इनको. तो शी सेड के नो, ये हमारे को वहीं से घर से टेलीफोन करते हैं कि मेरी फ्लां साड़ी को चरक चढ़ा दे और इतने बजे भेज दे. यहाँ जो सूट पहन के जाते हैं, गर्मियों में भी कई बंदे हैं जो आपको लगेगा कि सूट पहन के टाई लगा के किसी फंक्शन पे जा रहे हैं. मुझे भी कई बार घर में कहते हैं कि सूट पहन के चला जाए, किस लिए? माई बॉडी और माई सेल्फ, आई एम नॉट मेंट टू प्लीज अदर्स. अपनी जो लाइफ है उस लाइफ को लीड करना है. मैं खुद गर्मी में लगा रहूं, दूसरे को दिखाऊं मेरे पास कोट है, किस लिए? सो उसको मैं यही कहता था. मैंने कहा ये तेरे कैसे क्लाइंट हैं? वो कहती है सर ऐसे है, जब भी इन्होंने जाना होता है ना पार्टीज में तो सूट मंगवाते हैं घर, उसके ऊपर हम छिड़क देते हैं थोड़ा सा पेट्रोल, क्योंकि जब उन्होंने हैंडशेक करना है, मिलना है एक दूसरे को, उनके उनसे पेट्रोल की थोड़ी सी भी स्मेल आएगी तो लगेगा कि ये साफ सुथरा बंदा है. एंड दिस इज ए फैक्ट. यू विल सी मैनी सच पीपल. इवन गर्मियों में भी आपको दिखाऊंगा, मैं देख सकते हैं आप. सो कर्टेंस, उसको मैंने बोला यार क्या जरूरत है, धो ले घर में. ओ यार दे दिया था हमने इकट्ठा, उसने छिड़क के दे दिया. यू नो वेन एवर वी परचेज क्लोथ्स फ्रॉम द मार्केट, सिले सिलाए या पर्दा या कुछ भी, कभी आप उसको स्मेल करके देखो. फ्रेश क्लॉथ मार्केट से लो, स्मेल करो, दिस विल गिव यू ए पिक्यूलियर स्मेल. जब क्लॉथ इज मैन्युफैक्चर्ड इन द फैक्ट्री, द लास्ट स्टेज इज स्प्रे ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स एंड निमेटिसाइड्स एंड ताकि फंजीसाइड्स, ताकि इनको ड्यूरिंग स्टोरेज दे आर नॉट स्पॉइल्ड. हम उसको वैसे ही कटवा कर और पहन लेते हैं, दैट इज रॉन्ग. वही उसके पर्दों का भी हाल वैसे होगा, उसने ड्राई क्लीन करवाए हुए थे. देन कारपेट पैनल हैंगिंग ऑन द वॉल, इसकी क्या जरूरत है? कारपेट तो वो समझ गया, कहते कारपेट हटवा देता हूँ. मैंने कहा इसको भी हटवा. कहते ये तो किसी ने मेरे को गिफ्ट दिया है. मैंने कहा इसको यहाँ पर गर्मियों में ना लगा, सर्दियों में लगा लियो. गर्मियों में इफ़ यू वांट टू यू नो ब्रेक द मोनोटनी ऑफ द वॉल, कोई सीनरी वैसे लगा ले. सो सोफा सीट्स वर फ्रेशली ड्राई क्लीन विद पेट्रोलियम स्मेल. पेट्रोल इज नॉट गुड, इट इज ए साइटोटॉक्सिक केमिकल. इससे क्रोमोसोमल एब्रेशन, कभी आप गूगल में सर्च करके देखो, यू विल फाइंड इट इज ए साइटोजेनेटिक एब्रेशन कॉज करने वाला. क्रोमोसोम्स के अंदर जो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो खराब होती है. डैमेजेस इट, कॉज इट डैमेजेस मेनी ऑफ दीज क्रोमोसोमल आर्किटेक्चर. रूम लोडेड विद फ्रेशनर्स दैट वॉज नॉट रिक्वायर्ड. हम देखो कई बार हम मुंह में पेपरमिंट डाल लेते हैं या सेंट लगाते हैं. वी आर ट्राइंग टू कॉपी द वेस्ट. दोज हु डू नॉट टेक बाथ, सर्दियों में बाथ लेते नहीं, वो फ्रेशनर लगाया और चले गए. और दूसरा उनके कपड़े जो होते हैं वो नायलॉन टाइप होते हैं, कॉटन को मेंटेन करना डिफिकल्ट है, तो वो वैसे सिंथेटिक क्लोथ्स डालते हैं. सिंथेटिक क्लोथ के अंदर जब पसीना आ जाता है, हॉरिबल स्मेल इट गिव्स. टू मास्क दैट स्मेल दे एड दीज सेंट्स.
वी डोंट रिक्वायर दिस सेंस. उनके मुंह में भी वो दांत साफ भी नहीं करते, वो तो हमें ही हैं, बचपन से ही सिखाया जाता है अपनी सेल्फ हाइजीन. तो पेपरमिंट की गोली कहाँ ज़रूरत है, सारा दिन वो पेपरमिंट की लेके च्यूंगम च्यू करते रहेंगे, उनको कहो भाई क्या कर रहा है तुम, नहीं नहीं सलाइवा निकाल रहा हूँ, आर्गुमेंट विन करना है. देर इज़ नो नीड फॉर दिस सलाइवा टू बी जनरेटेड विदाउट यूज. देन डेजर्ट कूलर, वेन एवर यू आर टू यूज डेजर्ट कूलर टेक टू थ्री प्रिकॉशंस. नंबर वन, चेंज द वाटर ऑफ द कूलर ऑलमोस्ट डेली. 48 hours is enough for the bacteria to grow, fungal spores to germinate. Whenever you have to switch on water first, so that the pad of the cooler gila ho jaye, uske upar jo dust particles ya pollen grains ya spores bahar ke lage hue hain, they get washed down and air comes in. फैन को बाद में चलाओ, फर्स्ट अलाउ वाटर टू कम. वेन एवर यू हैव टू स्विच इट ऑफ अगेन, स्विच ऑफ वाटर फर्स्ट फैन लेटर, सो दैट द पैड बिकम पैड गेट्स ड्राइड अप. उसके ऊपर फिर ज़्यादा चिपके नहीं, अगर गीला होगा तो चिपकेंगे स्पोर्ट्स. देन सिगरेट स्मोकिंग नॉट गुड, ये तो उसके घर की बात ही इसलिए यहाँ लिख दिया. एंड शी वॉज टॉकिंग एंड टॉकिंग ऑन सेलफोन. I asked her, ma'am, why do you speak so much using cell phone? Why don't you use your landline? Cell phone is not meant for long discussions. Sunna kahan tha usne? Yes sir, kehte gaye aur baad mein she was on it. When I was coming back home, mujhe laga ki hamare ghar mein bhi carpet hai. I asked my wife कि इसको हटा देते हैं, लड़ पड़े नहीं. मैंने कहा क्या कर, इसकी ज़रूरत नहीं है. कहती नहीं, कोई आ जाता है, आपके फ्रेंड्स आ जाते हैं बिन बुलाए. मैं कहता हूँ इनको रोल करके ड्राइंग रूम में खड़ा कर देते हैं, बता देंगे हमारे पास तीन कारपेट हैं. किसके लिए, लाइफ हमारी है, हमने यू नो 80% ऑफ योर टाइम you are indoors, it is only 20% you are outdoors. Chahe aap khana kha rahe ho, so rahe ho, pad rahe ho, office mein ho, discussion group mein ho, whatsoever where you are, 80% of your time aap calculate karke dekh lena, 80% se zyada niklega you are indoors. Garmiyon mein to aur bhi zyada ho jata. To 20% we are outside the home and we accuse everybody else. मिस्टेक हमारी है, ट्राई टू रियलाइज इट. ये मैं कहूँ मेरे भी कर्टन हम भी लगाते हैं, हमने कभी धोए नहीं थे, वहीं से लिया, कृष्णा कारपेट से लिया, उसी को दे दिया कि यार तो सी के बंदा भेज दिया और डायमेंशन ले लेगा, सी के और लगा देगा. आई स्टार्टेड थिंकिंग यार उसको तो मैंने कह दिया, मैंने खुद भी तो कभी नहीं किया. आप भी रियलाइज करो, आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि हम मैं पहले वाटर को फ्लश ऑन करूं या पहले फैन को करूं. इट नेवर कम्स अवर माइंड. ऐसे ही सेल फोन के ऊपर, यू नो व्हाइल आई वाज कमिंग बैक होम तो सोच तो रहा ही था. उन्हीं दिनों मेरे पास एक किसी की ईमेल आई ऑफ वन ऑफ माय फ्रेंड्स हु वाज विद मी इन प्राहा चेकोस्लोवाकिया. वो मेरे नेक्स्ट रूम हॉस्टल में he was also studying. उसने मुझे ये भेजी कि कोई दो रशियन जर्नलिस्ट ने एग को कीपिंग देम इन बिटवीन टू मोबाइल फोन्स, उसको एग को हार्ड बॉयल कर दिया इन 65 मिनट्स. उसने एक मोबाइल फ़ोन को टेप रिकॉर्डर के साथ कनेक्ट कर दिया, यहाँ से ट्रांसमिट हुआ और यहाँ से रिसीवर हुई. मैं मलेशिया से अपने पेरेंट्स के लिए लाया था, कुछ ऐसे ऐसे थे, इससे भी बड़े थे वो, तो मैं घर गया तो मैंने करके देखा. In 80 minutes, it was nearly boiled, hard boiled. It was exciting for me. ये मैं
कर चुका था. इन द मीन टाइम वन ऑफ माई फ्रेंड्स फ्रॉम मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट ही केम, ओ डॉक्टर कोहली तू तो एनवायरमेंटलिस्ट है, ये बता चिड़िया नहीं दिख रही हाउस पर. तो मैंने कहा दिखती है, क्यों नहीं दिखती. मैंने अपने बच्चों को कुछ साल पहले हैचिंग ऑफ द एग, चिक की डेवलपमेंट हुई और चूजे निकले, मैंने दिखाया था. ही सर नहीं यार नहीं दिखती. हमने सोचा चलो हम देखेंगे. सुबह मॉर्निंग वॉक के ऊपर जाते, 5-6 दिन में हमें 2 चिड़िया दिख गई. पीजीआई के अंदर किसी नर्स थी, नर्स जो है वो पानी और दाना देती थी उनको, तो वहाँ पर आती थी. किसी ने हमें बताया, हम वहाँ चले गए, बैठे रहे कैमरा लेकर. आई रियलाइज कि चिड़िया वाकई नहीं दिख रही. और ये मेरे को ऑलरेडी भेज दिया था उसने. ऐसे ही एक मार्केट में मानो ट्रेडर है एक, वो मेरे घर आया कि डॉक्टर साहब मुझे बताओ मेरे छत के ऊपर मालिक मकान ने टावर लगा दिया है और ये टावर तो बहुत हैवी है, गिरेगी तो मैं तो अंदर ही मर जाऊंगा, कुछ करो. मैंने कहा क्या करूं, तू मालिक मकान के साथ बात कर. मुझे एकदम स्ट्राइक किया कि ये जो सेल फोन्स हैं ये चलते कैसे हैं. जो सेल फोन के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस जो हम बोलते हैं, द साउंड इज कन्वर्टेड इनटू ईएमएफ. दीज ईएमएफ गो टू द मोबाइल टावर, फ्रॉम द टावर टू द सैटेलाइट टू द अदर मोबाइल टावर ऑफ द रिसीवर एंड देन टू द पर्सन हु इज रिसीविंग इट, फ्रॉम ट्रांसमिशन टू रिसीट. वहाँ पर ये रिवर्स हो जाती है फ्रॉम ईएमएफ टू साउंड. इसको हम जब कान के साथ लगाते हैं दिस पिन्ना गेट्स हीटेड अप, वार्म हो जाता है. सो ये जो था इसमें तो मुझे लगा कि कोई बात नहीं. व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट इट मुझे लगा आई नो कि ये माइक्रोवेव है, जैसे माइक्रोवेव अवन में है, द सेम वे दिस इज ऑल्सो गेटिंग हीटेड अप. What's there in it? Egg को अगर हम boil करते हैं जल्दी उबल जाता है, इसमें थोड़ा time लगा, कोई बात नहीं. But soon when उसने बोला कि चिड़िया ख़त्म होगी, तो I started linking it with the लुप्त होना of चिड़िया. Why I did so? चिड़िया, you understand, is house sparrow. The name itself is so that इसके अंदर मांस तो बहुत कम होता है, मीट बहुत कम होता है, इसलिए कोई इसको खाता नहीं. और छोटी चिड़िया है, बहुत ज़्यादा दूर तक फ्लाइट इसकी जाती नहीं, जल्दी थक जाती है. इसकी जो पंख हैं इतने ज़्यादा दूर तक नहीं जा, बहुत ऊंचा भी नहीं जा सकती. तो इसको प्रोटेक्शन फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स मिलती है. वो इसलिए ह्यूमन बीइंग्स के जो हाउसेज हैं उसी में ही कहीं ना कहीं घोंसला बना लेती है. इसको चिड़िया को इतना डर नहीं लगता ह्यूमन बीइंग से, बिकॉज उसको पता है इसमें मीट तो है नहीं, किसने खाना नहीं. एंड दिस ऑल्सो है आई हैड रेड कि इनकी जो टेल है, टेल इज वेरी सेंसिटिव एंड फिशेज एंड दिस बर्ड्स दे आर द मोस्ट सेंसिटिव क्रीचर्स. उनको भी टेम्परेचर पानी का बहुत जल्दी पता लगता है, इनको भी हीट और उसका पता लगता है. और जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, वेन एवर दे आर ट्रेवलिंग टू द अदर रीजन, देयर सेंस यू कैन अंडरस्टैंड, दे हैव बेटर सेंस. तो मुझे लगा कि इसके साथ नॉन थर्मल इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल फोन्स इज परहैप्स द कॉज, क्योंकि मोबाइल टावर्स की इमरजेंस एंड एक्सटेंशन ऑफ बर्ड्स कोइंसाइड्स. सेकेंड रीजन दैट आई कंकॉक्टेड वॉज दैट दीज मोबाइल टावर्स आर इन द अर्बन एरियाज वेयर द पॉपुलेशन डेंसिटी इज मोर. जंगलों में ये चिड़िया रहेगी नहीं बिकॉज ऑफ द फियर फ्रॉम द बीस्ट्स, कार्निवोरस बर्ड्स एंड एनिमल्स. और गांव के अंदर इतने मोबाइल टावर हैं नहीं, गांव में हमें फिर भी दिख जाती थी चिड़िया, शहर में नहीं दिखती थी. तो इसलिए मेरा ये हंच था, माय आर्गुमेंट एंड माय हाइपोथेसिस दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ नॉन थर्मल रेडिएशंस दैट दिस हाउस स्पैरो हैज़ बीन लॉस्ट. तो मैंने, मेरे पास एक जुआलॉजी का वीपी शर्मा आया, कहता है डॉक्टर साहब मुझे एमएससी एनवायरनमेंट कर ली मैंने, तो मुझे आप, ही बेसिकली इज़ एन इंजीनियर, एमटेक के बाद उसने जो है ना कॉरेस्पॉन्डेंस है मणिपाल यूनिवर्सिटी से,
MSc एनवायरनमेंट कर ली। तो मैंने कहा यू आर एन इंजीनियर, मुझे इसके ऊपर बता कि इसके जो नॉन थर्मल रेडिएशन जो हैं इनको मैं मैयर कैसे करूं, इनको मैं बायोलॉजिकल सिस्टम में डालकर उनका इम्पैक्ट कैसे देखूं। आई हैड इन माई माइंड दैट वी हैव लॉज अगेंस्ट एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, बट नो लॉ बेस्ड ऑन दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस। मेरे मन में ये बहुत तकलीफ होती थी कि यार इसके लिए नहीं है, एंड अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम पता लग जाती है, आई एम एबल टू डू समथिंग इन रिसर्च, देन आई विल हैव टू कंटेस्ट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट इज सपोज टू प्रोवाइड मी विद द हेल्दी एनवायरमेंट, इट इज देयर ड्यूटी, वी आर पेइंग टैक्स एंड इन रिटर्न वी मस्ट गेट दैट हेल्दी एनवायरमेंट। तो मैंने उसको बोला तो वो मान गया कि जी ठीक है करूँगा। यानी कि ये जो इंजीनियरिंग सिस्टम है, फिजिक्स जो है इसकी ये तू देख, बायोलॉजी तेरे को मैं टीच करता हूँ। सो दैट कॉम्प्लीमेंटेशन होगी। और उसने मुझे कहा जी ये एक मंगवा दो मुझे, तो ये मैंने एक RF फील्ड स्ट्रेंथ मीटर USA से 16,500 रुपए लगे मैंने पॉकेट से दिए, कोई प्रोजेक्ट नहीं था मेरे पास, मैंने कहा ले आ। इससे हमने डिफरेंट मतलब शहर के अंदर डिफरेंट एरिया के अंदर जा जाकर और रीडिंग्स ली, सॉयल का pH भी और टेम्परेचर भी लिया, जहाँ पर मोबाइल टावर्स हर शहर मतलब हर सेक्टर में मोबाइल टावर हो, कईयों में तो बहुत बहुत है। मेरे घर के आसपास देर आर स्टिल एट मोबाइल टावर्स और डिस्टेंस इज नॉट मच, मे बी अराउंड 100 meters। मुझे लगता है कि मेरा घर इज़ ए माइक्रोवेव अवन, ऑल दी 24 hours 365 days दीज रेडिएशन आर कमिंग एंड गोइंग। मेरे को माइंड में था कि जो सॉइल के ऊपर भी ये रेडिएशन जहाँ पर लगती हैं वहाँ पर माइक्रो फ्लोरा इंसेक्ट्स यू नो बटरफ्लाइज ऐसे कई जानवर होंगे जिसको वी आर अनएबल टू आइडेंटिफाई, वी हैव नेवर इवन टेकन अकाउंट ऑफ इट। सो मैंने ये करके और इसमें डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर डिफरेंट रीडिंग्स लेकर उसकी मीन वैल्यू निकाल कर और ये एक प्रेजेंट किया। जब ढूंढ रहा था तो मुझे एक लगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दिस गुजरात की कोई एनजीओ है, उसने पिटीशन डाली हुई है, उस पिटीशन में ये लिखा है कि इट शुड बी लेस देन 10 microwatt पर मीटर स्क्वायर। तो मैंने जब अपना देखा चंडीगढ़ के हर सेक्टर के अंदर, यू नो ऑल दीज रेड दे आर मोर देन 10,000, सी हेयर 97,000। मैंने ये करके और एक लेटर में चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को भेज दिया, अखबार वालों को भेज दिया, अखबार वाले आए, हाहाकार मच गई। दैट वॉज वट वॉज द पर्पज। बट जो ये मैंने लिया, मेरे पास ये आ गए एस्कोटेल और ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स, डॉक्टर कोहली इससे डरा रहे हो हमारे को, दिस इज ए टॉय, बच्चे खेलते हैं इससे, योर रीडिंग्स वी डोंट कंसिडर। मेरा जो गुब्बारा बना हुआ था एकदम फुस, दे आर ऑल मनीड पीपल, आई एम ए पुअर पर्सन। मुझे लगा वट टू डू, देन आई यू नो कंटेक्टेड दी मिनिस्ट्री कि मुझे आप एक प्रोजेक्ट दो। प्रोजेक्ट अप्लाई किया, कमेटी ने कहा दिस इज ऑल क्रेजी, डॉक्टर कोहली हमेशा क्रेजी बातें करता है, कुछ नहीं, दे रिजेक्टेड इट। आई अगेन वेंट, मैंने कहा जी मेरे को सुन तो लो एक बार, मेरा डाटा देख लो, आपके सामने कर देता हूँ, करके देख लो। अल्टीमेटली दे एग्रीड कि ऑल राइट। तो मुझे प्रोजेक्ट मिला, प्रोजेक्ट में मैं जो वो कहता था कि ये खिलौना है, मैंने कहा भाई वही लेना है जिससे ये करते हैं ना, कंपिटिटिव हूँ मैं, बाई नेचर कंपिटिटिव हूँ, तो आई विल कम्पीट। ये मैंने फिर जर्मन मेक परचेज किया, 1.5 lakh के करीब था ये, था एक इसके साथ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रेडिएशन जनरेट करने की मशीन ली एजिलेंट वालों से, वो 7 lakh के करीब थी। मुझे उन्होंने ये भी कहा कि व्हेन आई सेंट माय फर्स्ट पेपर फॉर पब्लिकेशन देयर वर रिमार्क्स सेइंग कि हाउ आर यू श्योर दैट द प्लांट व्हिच यू हैव एक्सपोज्ड दे हैव रिसीव्ड दिस, हाउ मच दे हैव रिसीव्ड आई डू नॉट नो।
क्योंकि मैंने तो मोबाइल फ़ोन के बीच में, दो मोबाइल फ़ोन के बीच में वो जो रूटिंग स्टेम कटिंग या जर्मिनेशन के एक्सपेरिमेंट किए थे, कितना जनरेट हुई रेडिएशन मुझे नहीं मालूम। मैंने उनको बोला भी मेरा पर्पज़ ये नहीं है कि इसको क्वांटिफाई करूं, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि इसका ये इम्पैक्ट है, इसको मान लो आप, बाकी आई विल डू। दूसरा उनका ऑब्जेक्शन था, ये भी तो हो सकता है दिस इम्पैक्ट इज़ ऑन अकाउंट ऑफ हीट, थर्मल इम्पैक्ट, दीज रेडिएशंस जितनी छोटी वेवलेंथ उतनी ज़्यादा एनर्जी, सो दीज रेडिएशंस दे आर हाईली एनर्जेटिक, दे वेयर एवर दे टच दे क्रिएट हीट, सो मे बी दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ हीट। अब नाउ हाउ टू सेग्रीगेट हीट फ्रॉम नॉन हीट इफेक्ट, इट वॉज ए प्रॉब्लम। तो मैंने मिनिस्ट्री को बोला जी मेरे को ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आई वॉन्ट टू सेटल दैम। एक तो जनरेट कितनी की, कितनी मिली, वो दो मेरे को इंस्ट्रूमेंट चाहिए कि सरफेस के ऊपर कितनी आई, जितनी भी दूर होगा वो टेलिंग इफेक्ट हो जाएगा, रेडिएशन जो हैं वो धीरे 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 करके टेलिंग ऑफ हो जाएगा और कम हो जाएगी। शुरू में जब आपको मोबाइल आता है, फ़ोन आता है, उस वक्त रेडिएशन बहुत ज़्यादा होती हैं, धीरे 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 वो सिर्फ साउंड में रह जाता है और उनका इम्पैक्ट कम हो जाता है। देन इससे मैंने सारे सेक्टर्स के अंदर, ऑल सेक्टर्स आई ट्राई टू आइडेंटिफाई, एंड यहाँ पर पावर डेंसिटी एंड द नंबर ऑफ सेक्टर्स, हेड, चेस्ट हाइट एंड ग्राउंड, ग्राउंड लेवल, चेस्ट लेवल है जहाँ तक हाथ जाता है, उन सब की साथ हम पिक्चर्स लेते थे, बिकॉज आई हैड गिवन इंस्ट्रक्शंस के वी हैव टू कंटेस्ट विद द गवर्नमेंट, वी हैव टू कंटेस्ट विद सर्विस प्रोवाइडर्स, देयरफॉर वी मस्ट हैव ऑल एविडेंसेस इंटैक्ट विद अस दैट वी स्टिल हैव। तो उसमें से हमने ये फिर ग्राफ्स बनाए, ये ग्राफ्स हमने, ये जो बनाए थे, ये फर्स्ट टाइम जो ग्राफ बनाए थे वो हमने उसी छोटे वाले से किया था, ये वाला जो है ये हमने जो राइट इंस्ट्रूमेंट है उससे किया, एंड देन वी पब्लिश्ड इट आल्सो। ऐसे ही विलेजेस के अंदर, दिस इज हाउ वी स्टार्टेड विद वीट ग्रेन्स, दो मोबाइल फ़ोन के बीच में, एक को रिसीवर और एक को ट्रांसमीटर, और ये ट्रीटेड सैम्पल एंड दीज आर द कंट्रोल्स। ऐसी हाइट ऑफ द सीडलिंग्स, ये स्लाइड ठीक नहीं है क्योंकि उसने मैग्निफिकेशन वेरी कर दी, वो इंजीनियर था उसको इतना ध्यान नहीं था, बट जब ये एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो गया उसके बाद उसने मुझे रिजल्ट जब दिखाए उस वक्त ये आ गई तो आई डिडंट माइंड इट, बट इसमें मैग्निफिकेशन अलग अलग है। देन माई पॉइंट वॉज दैट आई शुड बी वर्किंग ऑन एग्स, बर्ड एग्स, क्योंकि गवर्नमेंट विल नॉट लिसन टू मी व्हेन आई एम वर्किंग ऑन प्लांट्स, दीज आर डिफरेंट सिस्टम्स कंपेयर टू एनिमल सिस्टम्स। हाउस स्पैरो एग्स डिफिकल्ट टू गेट फ्रॉम, कहाँ से लो, नंबर ऑफ टाइम्स भी चाहिए। देन हमने हैन एग्स लिए, हैन एग्स को ऐसे रख कर और ट्रीटमेंट देकर काम किया, दिस इज द फुली डिवेलप्ड कंट्रोल, ये इसके अंदर देख रहे हो वाइट वाइट, दिस इज प्रेसिपिटेटेड एल्ब्यूमिन, ये अंदर योक है, ये दिस इज द मैग्निफाइड पार्ट। वी डिड इट इवन ऑन मेज, मेज की ग्रोथ, डिफरेंट पीरियड ऑफ एक्सपोजर, दिस इज द इफेक्ट। देन रूटिंग ऑफ द स्टेम कटिंग्स ऑफ मूंग बीन, जो माँ की दाल है उसको उगा कर, उसको काट कर, जहाँ पर जो एक्सिस होती है उसे 3 सेंटीमीटर नीचे काटा और डिप कर दिया, एक्सपोज कर दिया विद टू दी EMF रेडिएशंस। उसकी जो रूट्स निकली वो देखी हमने, उसको मैयर किया, यू कैन सी दिस, ये ज़्यादा ट्रीटमेंट, ये कंट्रोल। ऐसे हमने अनियन के जो रूट टिप्स होती हैं, क्रोमोसोम्स को स्टडी करने के लिए कोशिश की, माइटोटिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है, सो दैट वी आर एबल टू स्टडी दी क्रोमोसोमल एब्रेशंस इफ देयर आर एनी, एंड वी फाउंड मैनी क्रोमोसोमल एब्रेशंस स्टिकिंग एंड यू नो कटिंग एट्सेट्रा। देन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ द रूट टिप्स, कंट्रोल, एक्सपोज फॉर 2 hours, एक्सपोज फॉर 4 hours, यू कैन सी मूंग बीन्स के रूट टिप्स। लाइकवाइज रूट हेयर्स, कंट्रोल एंड ट्रीटेड, श्रिवल्ड, हालांकि ये पानी में ही पड़े हुए हैं,
shriveling hai. Iska matlab, this is non-thermal impact. Then I searched literature. I could not find even a single reference related to the EMF radiations of these cell phones. Whatsoever I get, अभी भी आपको वो ज़्यादा मिलेंगी जो हाई टेंशन वायर्स के आसपास जो ईएमएफ ऑरा बनता है उसका इम्पैक्ट. ये हैन के अंदर सोमाइट डेवलपमेंट, जो हैन के ब्रेन की डेवलपमेंट है, वो इनिशियल स्टेजेस में तो डेवलपमेंट इज़ फास्टर, सून इट डिप्स एंड ब्रेन डजंट डेवलप. जो एक्स एक्सपोज टू दीज रेडिएशंस हैं फॉर longer time, more than 4 hours, unki somite development, brain development is checked. We did even on honeybees, we did on rats also. Rats ko bhool jata hai ki mara rasta kaun sa tha. Those experiments we did. Ye phir un dino cell phone ke upar bahut zyada in literature aana shuru ho gaya. Then ye cheez to thi ki on cell phone, usi ke ghar mein, in that lady, she asked me, अब तो शी वॉज इन टॉकिंग टर्म नाउ कि क्या खाओगे. पहले तो उसको लगता था कि ये कहाँ से आ गया. तो देन मैंने उसको बोला कि जो मर्जी दे दो, ले लूँगा. तो चाय कहते पी लो, मैंने कहा ऑल राइट. अब मैं भी घबरा रहा था, मैंने कहा अदरवाइज आई नेवर टेक टी. मैंने कहा चलो दे दो, मुझे था कि डाइजिन खा लूँगा जाकर. कोई नहीं, यू नो ओकेजनली इफ़ यू डू इट डजेंट मैटर, देर इज़ ए पॉसिबिलिटी ऑफ क्योर. तो उन्होंने मुझे बोला चाय के अंदर आपको इक्वल डाल दूँ. मैंने कहा जी देर इज़ नो नीड इफ़ यू ड्रिंक टी. और ये इट इज़ ए सजेशन टू यू ऑल्सो, वी डू नॉट नीड शुगर. अगर आप अपना टेस्ट चाय का विदाउट शुगर 3-4 दिन पी लो, यू विल स्टॉप टेकिंग शुगरी टी. ये मतलब मैं आई एम वेरी श्योर अबाउट इट. Likewise, milk में there is no need to add sugar. जो real इसका nature है ना, इसका milk का sweet nature है, that is enough. We do not need more of salt. We do not need sugar. उसको मैंने बोला कि I don't need sugar. तो कहते हैं कि इसमें भी है कुछ, ये तो मैं अमेरिका से लाई हूँ. मैंने कहा मैम इफ़ यू रीड वट इज रिटन ऑन इट. उसके बाद पूरा बड़ा डब्बा था, उस डब्बे में वो लगा था जिसमें एक बॉटल एक एक निकलती थी. फुल डिब्बा लेके आई थी वो, कई सालों के लिए होगा वो. तो यू नो शी वॉज फैट, अब तो शी इज़ रिलेटिवली बेटर. तो मतलब उसको ये लगता था कि फिगर बड़ी है तो मुझे शुगर ना लूँ. तो मैंने उसको पूछा कि इसके ऊपर देखो लिखा क्या है. इट वॉज रिटन, कभी भी आप देखना इक्वल की जो सेशे मिलते हैं ना, देखना रीड रिटन. प्रोहिबिटेड फॉर प्रेगनेंट मदर्स एंड चिल्ड्रन बिलो 12. इट वॉज रिटन ऑन इट. मैंने उनको पूछा मैम अगर ये इतना अच्छा होता तो बच्चों के लिए भी हो जाना था. शी सेड कि अच्छा मेरे पास स्वीट एंड लो भी है. मैंने कहा इस पर इफ यू रीड इट इज़ प्योर सैक्रीन. Saccharin is too inexpensive. जो मिठाइयाँ आपको मिलती हैं इन द मार्केट saying that these are for the diabetic patients, it contains only saccharin. Saccharin आपको cheap toffees में मिल जाएगी, mouthwash, lip gloss. Ladies लगाती हैं कई बार मीठी मीठी, बच्चों के लिए lipsticks. हैं वो छोटी छोटी बच्ची हैं, उनको लिपस्टिक लगा देंगे मीठी लिपस्टिक. दिस इज़ ऑल सैक्रीन. मीठा टूथपेस्ट, यू नो आप इमेजिन करो अगर टूथपेस्ट में चीनी डली हो, इसके अंदर इन्फेक्शन नहीं आ जाएगी, फंगस नहीं आएगी, फंगस आएगी क्योंकि सैक्रीन है, फंगस नहीं आएगी. मिठाई लेके आओ मार्केट से, आपने वॉशरूम में रख दो मिठाई, क्योंकि वहाँ ह्यूमिडिटी थोड़ी ज़्यादा है, वॉशरूम इसलिए कह रहा हूँ. उसके ऊपर म्यूकर नहीं आएगी. आप घर में मिठाई बनाओ चीनी के साथ, उसको रख के देखो म्यूकर आएगी. यू नो मार्केट में जितनी मिठाइयाँ मिलती हैं हर
हलवाई, कुछ हलवाई हैं जो कि मीठा ठीक डालते हैं, अदरवाइज सैक्रिन मिक्स्ड मीठा डालते हैं। चीनी जो है इट इज़ अराउंड 40-45 रुपीज ए केजी, और सैक्रिन 1 रुपये के अंदर 8 केजी निकला है, उतना मीठा है, 8 times स्वीटर। लाइकवाइज दिस स्वीट एंड लो, दिस इज एस्पार्टिल फिलाइनलेनिन एस्टर। मैंने उनको बोला वी डोंट नीड इट, यू नो दिस स्वीट एंड स्लो, ये जो सैक्रिन है इट प्रमोट्स ट्यूमर फॉर्मेशन, इट डज नॉट इनिशिएट ट्यूमर, वंस इनिशिएटेड प्रोलिफरेशन इज फास्ट, वी डोंट नीड इट। देन अजीनोमोटो, वहीं बाहर ही मुझे कह रहे थे जी अजीनोमोटो खाते हैं बंदे, वो क्या है, वो भी पोटाशियम सॉल्ट है, पोटाशियम ग्लूटामेट। दिस लीड्स टू, मेरे पास ना देर इज ए बुक, अब नहीं है वो, गुम हुई है, मैंने कहा है लाइब्रेरियन को मंगवा दे, आपको फार्मेसी में और काम आएगी। टॉक्सिक्स A to Z, उसमें से ये मैंने ये चीज़ें उसमें से ली हैं। उसमें लिखा हुआ है कि चाइनीज रेस्टोरेंट सिंड्रोम, देन आई रेड इट, चाइनीज की स्किन जो है वो टाइट स्किन, स्मूथ स्किन। अगर आपने इसको अजीनोमोटो वाला फूड रात को फुल खाओ अजीनोमोटो के साथ, एंड मेक ऑब्जर्वेशन ऑफ योर ओन बॉडी, पेट में आपको क्रैम्प्स लगेंगे, दिल करेगा टॉयलेट बार बार जाऊं, लेथार्जिक हो जाओगे, उठने का दिल नहीं करेगा। वही चीज़ बच्चों को खिलाओ, बच्चे सुबह कहेंगे हमें स्कूल नहीं जाना, पेट में दर्द है, कोई बहाने लगाएं या वैसे हो भी, आई डोंट नो, वी डोंट नीड इट। हम भी कई बार, बच्चे हमारे भी छोटे थे जब, कई बार खिलाना पड़ता है उसके अंदर, पर हम क्या करते थे, लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, बीच में टमाटर ज़्यादा डाल देते थे, अजीनोमोटो नहीं डाल, जो टेस्ट मेकर देते थे वो नहीं डालते थे। हालांकि वो भी जो नूडल्स हैं वो भी मैदे के बने हुए, आजकल तो दूसरे मिलने शुरू हो गए हैं। तो अगर आप खाना ही चाहते हैं, डोंट ऐड दिस अजीनोमोटो इनटू इट। अजीनोमोटो आजकल तो वो ग्लूटामेट लिखना शुरू कर दिया, कई जगहों पर असेंट लिखते हैं। इन जापान क्योटो के अंदर कॉन्फ्रेंस होके हटी थी, और फाइनल वहाँ का जो गवर्नर है उस प्रोविनेंस का, उसने हमारे को एट होम डिनर पे बुलाया सबको, तो वी वर अराउंड 22 पार्टिसिपेंट्स। तो वहाँ आई बीइंग वेजिटेरियन, मुझे ये अच्छा नहीं लगता नॉन वेज, तो पहले बहुत खाता था, एकदम मैंने बंद किया, उसके बाद अच्छा नहीं लगा। तो उसने मुझे कहा कि, और मैं अपने पास कभी भी जाता हूँ बाहर तो जेब में बादाम काजू और किशमिश और रस्क, रस होते हैं ना जो सूजी के, वो लेके जाता हूँ 2-3 पैकेट्स, और चने, भुने हुए चने, मज़ा रहता है मेरे को। कोई मुझे उसने जब बुलाया, होटल के अंदर ही था, उसी होटल में जहाँ हम रह रहे थे, तो आई आस्क्ड हिम के, वो कहता है आर यू ओके प्रोफेसर कोहली, मैंने कहा यस आई एम ओके, यू आर नॉट ईटिंग एनीथिंग, मैंने वहाँ कह दिया कि इट कंटेन्स अजीनोमोटो, वो कहता है व्हाट इट इज, मैंने कहा इट इज़ असेंट, असेंट अमेरिका में असेंट कहते हैं, तो वो इकोलॉजिस्ट मार्टिन अमेरिका से था, उसने ताड़ी मार के अटेंशन डाइवर्ट की अपनी अपनी तरफ, प्रोफेसर कोहली सेज दैट इट कंटेन्स असेंट, मेरे खराब हो गए, मैंने कहा यार ये क्या। तो उसका जो होस्ट था, होस्ट ने कहा प्रोफेसर कोहली आई टेक गारंटी दिस इज़ फ्रॉम ए वेरी गुड, जो भी कंपनी का नाम लिया उसने, फ्रॉम वेरी गुड कंपनी एंड आई टेक गारंटी नथिंग विल हैपन टू यू, दिस इज़ ऑल सेफ फूड। मैंने ओके ओके कह के और सैलड सुलड थोड़ा सा ले लिया, पर रास्ते में जब आ रहा था तो मैंने कहा यार तेरी आदत ख़त्म नहीं होती, क्यों कहता है, नहीं खाना तो कह देता पेट में दर्द है। तो मुझे लगा कि मेरे फ्रेंड्स हैं तो इनको बताऊंगी क्यों कर रहे हो ये। व्हेन आई रीच बैक होम, गूगल सर्च डाला, करके देखना आप अजीनोमोटो के ऊपर, मोर देन 3000 साइट्स मुझे मिली। उसमें से जब मैंने ये देखा, मैंने कहा अच्छा इसमें चेस्ट पेन भी है, पार्किंसन, अल्जाइमर डिजीज, फिर मैंने आई ट्राई टू कोरिलेट विद इट,
कि चाइनीज़ ऑर्डिनेंट रेंटल कंपनी जो हैं ये एरिया जो हैं कॉन्टीनेंटल एरिया जो हैं घुटने उनके ख़राब होते हैं पार्किंसंस अल्जाइमर आई एम नॉट ए मेडिकल डॉक्टर बट आई कैन ट्राई टू लिंक द इश्यूज अजीनोमोटो खाते हैं वो टेस्ट अच्छा चाहिए वी डोंट नीड इट दैट इज़ इन अवर ओन हैंड्स टेस्ट ही लेना है ना टेस्ट आप नींबू डाल लो थोड़ा सा फिर टेस्ट हो जाएगा What is there in it? Junk food hai, it is all junk. The real word junk hai, it applies very well to it. Then you know tinned food, tinned juices. Ye bhi mujhe wahan kehta hai ji bana dun maine kaha ye ascent na daliya. Then tinned food, it contains lead. Jo iski seam hai, seam bhari hoti hai with lead. Then polystyrene cups and plates jo aap lete ho. चाय जिनमें लेते हो नॉट गुड मैं यहाँ पर कोशिश कर चुका हूँ कि हम यहाँ पर ये जो पॉलिस्टीरीन के जो कप्स हैं ये ना दें और कप प्लेट में दें बट अगेन ए वेरी बिग इशू वाटर अगर हम वो पिल्स प्याली में दें उसको साफ करने में जितना पानी लगता है दैट इज़ मोर देन द कॉस्ट ऑफ दीज कप्स बट पॉलिस्टीरीन कप्स ये जो होते थर्मोकोल टाइप के कप बने होते हैं अभी पकड़ोगे तो गर्म नहीं लगेगा इट इज़ नॉट गुड कोई भी हीट वाली चीज़ के लिए इट इज़ नॉट गुड यू नो दी रिएक्शन जो है ना इनमें से जो है तो दीज आर ऑल पेट्रोलियम प्रोडक्ट ये जो थर्मोकोल है इट इज़ ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट तो कभी आप करके भी देखना पॉलीथीन के अंदर पानी को प्योर वाटर को लेकर रख लो थोड़े दिन उसकी कंडक्टिविटी पहले मैयर करो और बाद में मैयर करो यू विल फाइंड इंक्रीज इन साइमंस इसका जो यूनिट है कंडक्टिविटी विल बी मोर इसका मतलब उसमें से आयंस निकलें पीनट बटर फ्रेश जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं पुराने ड्राई फ्रूट अगर लोगे तो उसमें आपको एक किस्म की स्मेल दिखती है दिखती मीन्स महसूस होती है एल्युमिनियम नॉट गुड जो आप करके देखना जिस चाय के बर्तन में आप चाय बनाते हो एल्युमिनियम का अगर है तो उसके जो अंदर ब्राउन सा जम जाता है उसको थोड़ा सा स्क्रैप करके और दिस एल्युमिनियम फ्लोराइड चेक करके देखना फ्लोरीन से बना होगा माइक्रोवेव नॉट बैड इंस्ट्रूमेंट ठीक है इसके पास नहीं खिलौना खड़े होना इसमें से लीकेज है ऑफ दीज रेडिएशंस एंड इफ दीज रेडिएशंस आर मोर इट कैन लीड टू कैटरैक्ट 100 लॉन्ग टर्म एक्सपोजर ये जो यूनिट्स दिए हुए हैं ये भी उसी बुक में से लिया हुआ है टॉक्सिक्स ए टू जी इन्फेक्टेड नॉन वेजिटेरियन फूड जो मार्केट में मिलते हैं अवॉइड देम नेवर टेक देम नॉर्मली हम जाते हैं घर से छुप के खाना है मीट तो रेस्टों में जाके खाएंगे नॉट ए गुड हैबिट फ्लोराइड फ्लोरिडेटेड एंड नॉन फ्लोरिडेटेड दोनों मिलती हैं आपको इस एरिया में आपको फ्लोरीन एनफ है प्रॉब्लम नहीं है तो हम नॉन फ्लोरिडेटेड मैं करता हूँ घर में जितनी भी टूथपेस्ट के ब्रांड्स मिलते हैं वो चेंज करके लेता हूँ सो दैट पीरियड ऑफ एक्सपोजर टू ए पर्टिकुलर ब्रांड इज रिड्यूस्ड कभी कोई कर ली कभी कोई कर ली फूड एडिटिव्स एंड पैकेजिंग इसको कभी आप काट के देखना इसके अंदर एक शीट लगेगी जो चांदी के कलर की होगी उसके ऊपर एक पॉलीथीन शीट होगी सिर्फ लीकेज को रोकने के लिए एंड दिस शीट इज मेंट फॉर प्रिजर्विंग द फूड इन अंडर कोल्ड कंडीशंस बट कहीं भी मार्केट में आप देख लो जो स्टोरेज हाउसेज हैं उन पे देख लो दीज आर नॉट इन द कोल्ड स्टोरेज आप सर्व करने से पहले इसको फ्रिज में रखते हो या उसके अंदर डालते हो आइस क्यूब्स यू नो टिंड फूड बताया पॉलिशिंग डाइज आपको मिलती हैं काली माँ की दाल बहुत काली मोटी मोटी पता इसको शाइन कैसे मिलती है जो इसका बोरी है उसको दाल को एक ड्रम में डालते हैं शू पॉलिश ब्लैक शू पॉलिश लेके उसके अंदर डाल देते हैं घुमा देते हैं ड्रम को आप इसको अगर आप पानी में डालकर इसका पानी का कलर देखो यू विल सी द डिफरेंस सेम विद ये जो है ना चने की दाल शाइनिंग हमें शाइनिंग दालें अच्छी लगती हैं लगता है कि बहुत अच्छी होगी ये
वो होती भी महंगी है। जो हमारे गांव में जो पुरानी जो दालें छोटी होती हैं, चाहे देसी दाल, उसको कभी आप बना के देखो तो उसका टेस्ट में बहुत फ़र्क होगा। इसको क्या करते हैं, ड्रम में डाला और पैराफिन वैक्स मोम, उसको थोड़ा सा सॉफ्ट किया, डाल दिया और घुमा दिया, फ्रिक्शन से ऊपर चढ़ जाता है। सो टेट्रापैक फूड शाइनर्स, प्लास्टिक कंटेनर, स्पेशली विद ऑयली, ये जो आपको कह रहा हूँ ना कंडक्टिविटी चेक करनी है, थोड़ा सा दो ड्रॉप ऑफ ऑयल डाल दो बीच में, कंडक्टिविटी आपको बड़ा फटाफट इंक्रीज दिखेगी। दीज आयंस आर डिस्चार्ज फ्रॉम दीज प्लास्टिक मटीरियल, पॉलीथीन भी यही है। देन यू नो सिंथेटिक फूड कलर्स, दे आर चीप, शेल्फ लाइफ इज लॉन्ग, ब्राइट एंड वराइटी ऑफ कलर्स, ये सारे घटिया कलर्स हैं। और उसके ऊपर जो हम फेस पेंट लगाते हैं, कंपटीशन में लेके जाते हैं बच्चों को, ऑल नॉनसेंस, ये हम बच्चों की स्किन खुद खराब कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए भी आप लगाओगे, दीज आर ऑल सॉल्युबल इन दीज सॉल्वेंट्स, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, तो ये प्रॉब्लम्स इनमें होनी है। इसको उतारने के लिए भी अगर ये पानी में घुलते हों तो हमें पसीने से ये फैल जाए। सो वी नीड टू टेक केयर। प्रोहिबिटेड फूड कलर्स, इनको मैं अब ले नहीं रहा। कभी आप घर में बना के देखो लड्डू, बेसन का लड्डू, उसका कलर और मार्केट के कलर का लॉट ऑफ डिफरेंस। दीज आर ऑल एजोडाइज, एजोडाइज इनको थर्मोस्टेबल है, ये वेराइटी ज़्यादा है, शेल्फ लाइफ ज़्यादा है। नेचुरल कलर्स जो हैं वो विद टाइम फोटो ऑक्सीडाइजेबल हैं, दिन में वो डिग्रेड हो जाएंगे। अभी ये डॉक्टर गर्ग बता रहे थे कि वो एलोवेरा जूस ले लो, मैंने 3-4 दिन पहले लिया भी, फिर सोचा यार क्यों लेता हूँ मैं और क्यों सर्द क्यों करवाता हूँ। आई थॉट आई विल स्टॉप टेकिंग इट, मैसेज विल गो। यू नो क्लोरोफिल, वो इसलिए ग्रीन कराते हैं ये दिखाने के लिए कि ये नेचुरल है, इट इज़ नॉट ए नेचुरल कलर। क्योंकि ग्रीन कलर क्लोरोफिल इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, इसको सॉल्युबल करना है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट, पेट्रोलियम ईथर में, क्लोरोफॉर्म में डालो, फटाफट डिजॉल्व होगी। तो ये हम जो फूड प्रोडक्ट लेते हैं, टाइटल जो मर्जी इन्होंने लिखा हो, वी नीड टू अवॉइड देम। अगर हम सब इन चीज़ों को बंद करेंगे तो मैन्युफैक्चरर अपने आप इसको मैन्युफैक्चर बंद करेगा। उनकी मैन्युफैक्चर की उनको इसलिए एनकरेजमेंट मिलती है बिकॉज सेल हो रहा है। वी शुड ट्राई टू स्टॉप इट। कॉमन एडल्ट्रेंट्स इन फूड, ये मैंने एक चंडीगढ़ में इसके लिए एक वर्कशॉप करवाई थी, जस्ट टू टेल द पब्लिक कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे एडल्ट्रेटेड फूड को दूसरे फूड से, उसके फिर टेस्ट भी हमने बताए। देन यूज ऑफ केमिकल्स फॉर प्रेजेंटेशन एंड टेस्ट, पैसिव स्मोकिंग, दोज हु डू नॉट स्मोक देमसेल्व्स बट लिव इन द विसिनिटी ऑफ स्मोकर्स, फॉर्मेलिन या लैब में यूज करते हो, बी वेरी केयरफुल, इट इज़ ए कार्सिनोजन, ऑल्दो इट इज़ ए कार्सिनोजन ऑफ ग्रुप बी, ए बी सी डी ई, 5 ग्रुप्स हैं, बी ग्रुप में है ये, बट फिर भी इसका ये प्रॉब्लम होती है, एब्जॉर्प्शन हो गए। माई वाइफ, उसने यू नो एक देर इज़ ए टर्म कॉल्ड ऑल्फैक्ट्री फटीक, जो जुआलॉजी के बच्चे हैं उनको स्मेल नहीं आती, जो केमिस्ट्री के बंदे हैं जो लैब में काम करते हैं उनको भी स्मेल नहीं केमिस्ट्री की पता लगती, उनके ये जो ऑल्फैक्ट्री नर्व्स हैं वो जिसको कहते हैं डेड हुई पड़ी हैं इन चीज़ों के लिए, फटीक, ऑल्फैक्ट्री फटीक। तो ये जुआलॉजी वालों के लिए, उनके लैब में एक फिश का फ्लास्क टूट गया, उनकी मीटिंग होती थी जुआलॉजी की, तो उनके हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट एंड माई वाइफ के तो यहाँ सारे छाले पड़ गए, उसकी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को इवन वॉमिटिंग हुई। तो आई टोल्ड देम कि भाई तुम्हारे को, तुम जुआलॉजी की लैब में क्यों करते हो मीटिंग, आप इतने जो फ्लास्क रखे हुए हैं आप एग्जॉस्ट लगा के रखो वहाँ पर अपनी लैब्स के अंदर, सो दैट ऑल द फ्यूम्स दे गो आउट। नेफ्थलीन बॉल्स कपड़ों में रखते हैं, नॉट गुड। नीम के पत्ते सुखा लो अंडर द शेड, दैट इज़ ए बेटर डिसइंफेक्टेंट।
pyrethrin, cockroaches ko marne ke liye. There is no need of any of these chemicals. Begon spray aur ye cheez hum to rakhte nahi. Jo cockroaches hain ye kitchen mein ya toilets ke jaliyon mein se aate hain, drains mein se. Initially maine kiya tha ke naphthalene ball ko lekar aur jo paper clip hota hai isko unwind karke uska hook banakar aur ek iski danda isko garam karke naphthalene ball ko touch kiya wo uske sath chipak jata hai. तो वो मैंने उसकी जो जाली होती है ऑफ दिस ड्रेन विद दैट जाली हैंग्ड इट कि भाई नेफ्लिन बॉल लगी हुई है अगर पानी में डालूंगा तो पानी के फ्लो से अगर नीचे डालूंगा पानी के फ्लो से चली जाएगी तो सो दैट कॉकरोचेज अंदर ना आ सकें पड़ोसियों के जाएं जहां मर्जी जाएं मेरे घर में नहीं आएंगे उसके बाद मैंने सोचा भाई इसको किचन के अंदर लाइट लगा देता हूँ नॉक्टर्नल है लाइट में नहीं आएंगे बट फिर मुझे लगा यार मैं अननेसेसरी वेस्ट कर रहा हूँ लाइट सिंपल काम किया सरमन को कहा हुआ है कि जो ड्रेन है ड्रेन के ऊपर एक लकड़ी का फट्टा रखा हुआ है जब काम खत्म हुए लकड़ी का फट्टा ऊपर रख दिया अगर कॉकरोचेस के आने की एंट्री बैन एक बार साफ किया यहाँ अगर आ गए हैं तो उसके लिए बोरेक्स बोरिक एसिड उसका पाउडर ले लो बहुत सस्ता मिलता है हमारी लैब्स भी हो वहाँ से ले लो बोरिक एसिड चीनी को थोड़ा सा पीस लो थोड़ा आटा ले लो इन तीनों को मिक्स करके बॉक्स में रख लो थोड़ा सा दो चम्मच इसका अखबार का कागज़ किचन में बिछाओ उसके ऊपर दो चम्मच डालकर दो छिट्टे उसके पानी के डाल दो थोड़े थोड़े ग्रैन्यूल्स बन जाएंगे इनफ फॉर द कॉकरोचेस टू बी अट्रैक्टेड खाएंगे सुबह आप देखेंगे कि उल्टे पड़े होंगे ऑल दोज जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं है इनवर्टिब्रेट्स उनके ब्रेन को ये इम्पैक्ट करता है और उनकी जो जो है ना सेंस ऑफ ओरिएंटेशन वो ख़त्म हो जाती है उसको स्वीप करके और बाहर फेंक दो लेड यू नो इसके ये हार्म्स हैं इवन इंटेलिजेंस कोशेंट इस तरीके लेड बोन्स के अंदर आता है विटल हो जाती हैं बोन्स बोन टूटती है बंदा गिरता है नॉर्मली होता है बंदा गिरता है तो बोन टूटती है यहाँ बोन पहले टूटती है बंदा बाद में गिरता है कॉस्मेटिक्स अवर फ्रेंड्स आर यूजिंग दीज कॉस्मेटिक्स यू नो विद हाइड्रोक्विनोन एंड इथिलीन ग्लाइकोल सब में होगा ये हर एक जो क्रीम आप लेते हैं दिस कोल्ड क्रीम निविया की हो या जिसकी भी हो उसके क्रीम के बेस के अंदर यू हैव इथिलीन ग्लाइकोल दिस इज ब्रेक ऑयल जो कारों में हम डालते हैं ना ब्रेक ऑयल कि ये एंटी फ्रीज एजेंट है दिस विल नॉट अलाउ जो सर्दियों में भी ठंड पड़ी हो बर्फ़ पड़ी हो बट ब्रेक ऑयल वैसी रहेगा ब्रेक के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी दिस ब्रेक ऑयल इज एडेड इन दीज कॉस्मेटिक्स सो दैट ड्यूरिंग विंटर्स दे डू नॉट सॉलिडिफाई सो इट इज़ इन अवर ओन हैंड्स टू यूज़ निविया और विच एवर ब्रांड आई शुड नॉट टेक द नेम ऑफ एनी ब्रांड मेरी वाइफ से यही होता है मैंने क्या निविया निविया लगाई हुई है रोज ले आती निविया यू नो आपके पास देर आर लॉट मैनी अदर ऑप्शंस ऑप्शन से अभी आता हूँ एक सेकेंड यू नो इससे इथिलीन ग्लाइकोल से ब्लर्ड विजन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो जो मूवमेंट्स हैं ये कम हो जाती हैं सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन कम हो जाती है एनालिसिस कम हो जाती है देन रैपिड बॉडी ट्विचिंग फटीक देन यू नो फेयरनेस क्रीम्स हमारे किसको ये अटैक करती हैं हार्मोनल सिस्टम को कैन देयर बी एनी सच केमिकल जो ऊपर लगाएं और हमारे कलर चेंज हो जाए एंड कौन सा ये एवरी कलर इज गुड कलर मुझे तो कभी बुरा नहीं लगा कोई कलर एवरी कलर इज गुड मुझे ये बालों के भी ये जो ग्रे हैं बाल मुझे तो ग्रेस देते हैं ये वाई शुड आई डाई देम यू नो जब कभी आप डाई करोगे हेयर तो आपको आंखों में जलन सी होगी वंस यू डू इट सारे बाल पहले तो आपके ग्रे हो जाएंगे देन देयर इज नो लुकिंग बैक यू हैव टू डू इट अदरवाइज आप सिंपल इशू है रीठा आंवला शिकाकाई वेरी गुड थोड़ा कंपटसम जरूर है लोहे की कढ़ाई में उसको आप कर लो उबाल लो थोड़ा ब्लैक हो जाएगा दैट इज सेफर अदरवाइज ये जो फेयरनेस क्रीम्स है ना
ये शुरू में तो इट्स ऑल राइट, सून आफ्टर व्हेन यू क्रॉस 40 and 50, मेल हार्मोन्स फीमेल्स में और फीमेल हार्मोन्स मेल में, इन कभी भी आप ये तो आप थंब रूल बना लो, एंडोक्राइन सिस्टम को छेड़ो मत, अगर कहीं छेड़ने की ज़रूरत पड़ती है तो अंडर प्रॉपर गाइडेंस फ्रॉम द डॉक्टर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, किसी और डॉक्टर से भी मत लो सलाह, एक बार हिल गया ना उसका बैलेंस खराब हो जाएगा, बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। हेल्दी फूड्स, गुड रेंज ऑफ फाइबर जहाँ पर हो, मिनरल्स, ये चीज़ें आपको पता होंगी, यू आर ऑल एजुकेटेड, होल मील इज़ गुड, जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं दे आर गुड, ट्राई टू चेंज द ब्रांड्स, कीप मोर ब्रांड्स एट होम, कभी कोई कभी कोई। इसमें ये है प्रॉब्लम दैट वेन एवर वी ओवर हीट दिस ऑयल, तलने के लिए यूज़ करते हैं, द लॉन्ग चेन फैटी एसिड दे गेट ब्रोकन इन टू स्मॉल चेन्स एंड फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड, मोर द फ्री रेडिकल्स प्रॉब्लम इट इज़ विद यू, आपके स्टमक की भी प्रॉब्लम होगी, मतलब आपको और चीज़ें अच्छी टेस्ट तो लगता है तरी हुई चीज़, बट इट इज़ वेरी हार्मफुल, ट्राई टू अवॉइड। ये हम रोज लेते हैं समोसा और ब्रेड पकौड़ा, सिंपल हेल्दी चीज़ इफ़ वी ट्राई टू यूज दैट इज़ बेटर। और इसमें ये जो था कि ऑल कलर्ड नेचुरल फूड्स, जितना ज़्यादा ब्लैक लेटर से कोई जामुन है, जितना ज़्यादा इंटेंस कलर है उतना अच्छा, बिकॉज दीज आर एंटी ऑक्सीडेंट्स, ये हमारे को सेव करते हैं, फूड फॉर हेल्थ। ये जितने भी हमारे पास ये फाइटोकेमिकल्स इन वेजिटेबल फ्रूट्स एंड ऑयल्स हैं, दे आर वेरी गुड। जितने कलर्ड फ्रूट्स, जितने सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आप खा सकते हो, ज़रूर खाओ। रात को फॉर द लास्ट अबाउट थ्री और फोर मंथ्स आई डोंट टेक सीरियल्स, आई टेक फ्रूट वेजिटेबल्स सलाद, जितना ज़्यादा सलाद ले आए खा जाता हूँ। बॉडी की जितनी नीड है आपकी, वो नेचुरल फूड्स कैन प्रोवाइड यू विद दैट नीड। नेचुरल कलर्ड फूड्स ये मैंने आपको बताया ही है, जितने भी ज़्यादा मिलते हों, यू नो अगर आपने बैंगन है, जितना डेंस ये जो जामुनी हो उतना अच्छा, जितनी ये जितना ज़्यादा ग्रीन हो, इसमें तो इतने ज़्यादा नहीं, हमने इतने ज़्यादा कलर नहीं, क्योंकि जिस जो मेरे घर में थे उसी को मैंने पिक्चर कर लिया। फाइबर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, फ्रेश फ्रूट्स एंड जूसेस जितने ले सको, टिंड फूड जूसेस को मत लो, दैट इज़ दिस विल बी गुड फॉर यू। देन फ्रेश जूसेस का ये बता रहा था कि दैट एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो टेक फ्रेश जूसेस सुबह उठते ही, पानी पियो 2-3 ग्लास, उसके बाद जूस का ग्लास लो, उसके बाद फुल ब्रेकफास्ट, गुड अमाउंट ऑफ गुड ब्रेकफास्ट, तला हुआ ना हो तो अच्छा, एंड देन लंच, गुड लंच, डिनर में वेरी लाइट डिनर, होल फ्रूट्स वेरी गुड, फ्रेश वेजिटेबल सूप्स। हम क्या करते हैं घर में, सूप जो देता है शाम को, जितनी वेजिटेबल चाहे छिलके हों उसके, यू नो यू इमेजिन नाउ, खीरा काटा धो लिया, पहले खीरे को लेकर पूरा ऊपर से साफ़ कर लिया, जो था ना साफ करने वाला खुरदरा मटेरियल कोई, उससे साफ कर लिया, छिलके काट लिए, छिलके डाल दिए, अब उसके अंदर कुकर के अंदर, मटर है, मटर को भी मटर खा लो, छिलके उसमें डाल दो, मुझे कोई शर्म नहीं आती इस चीज़ से, बिकॉज इट इज़ ऑल एडिबल, उसको उबल जाए मिक्सी में डालकर चटनी कर दो, फिल्टर कर लो, जो ऊपर फाइबर है ज़्यादा, जो जो डिसॉल्व नहीं हो सकता, छोटा नहीं हो सकता, सॉफ्ट नहीं है, वो ऊपर रह जाएगा, छना हुआ सूप पी लो, टमाटर टमाटर थोड़े ज़्यादा डाल दो, एंड दिस विल गिव यू, जितनी भी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी अगर कहीं है वो पूरी कर देगा। मिनरल्स एंड विटामिंस, ये यू नो इनको मैं बता रहा था कि पिछले जहाँ लेक्चर दे रहा था कि अपने हॉस्टल में जो जो मेस है, मैस में ये दालों को स्प्राउटेड दालें खाओ आप, थोड़ी थोड़ी दाल डेली खाओ, वेरी रिच इन एनर्जी एंड वेरी गुड, देन सोक्ड स्प्राउट्स, सीरियल्स, प्योर वीट फ्लावर, मैदा अवॉइड, वाटर एंड वाटरी
delights. Ye jo hai, this is very rich in your minerals. Liquid endosperm, full of energy. Protein achhe hai, potassium achha. Diet enrichment, oils, jaise maine aapko bataya, different brands. Avoid unseasonal fruits. On the contrary, I would say, eat seasonal fruits. Jis season ka jo fruit milta hai, must have it. Ek to sasta hoga, ek us season mein aapke liye useful hoga. Sugar enhances absorption of minerals. Vitamin B and C, agar excess mein bhi le lete ho, no problem. Because through urine it will pass through. A, D, E and K, wo hab zyada na lo. But these are also essential. Safe remedies. Ants ke liye begon spray ki zarurat nahi hai in your residence. Simple jahan se uski jahan se nikalti hai na bill mein se choti si jo suraakh sa hota hai usko aapne band karna hai. Nimbu pani piyo, nimbu ka chilka wahan rakh do, cheetiyan sab khatam ho jayengi. Usko wo jo hoti hai na ek lagate hain hum do cheeze mix karke lagate hain usme mori band karni hai, that's all. Yahan kagaz fasa kar uske upar tape laga do. Enough. Cockroaches ke liye aapko maine bata diya. House fly ke liye yellow paper ke upar thoda sa honey lagao, paper ko hang kar do, makkhiyan chipak jayengi. Yahan andhera karo kamre ke andar, open a window or a door, all will shoo them off. Then silverfish, iske liye bhi boric acid is very good. Kitabon ke rack ke andar borax dal do, dalon mein dal do, koi problem nahi hai, koi keeda nahi lagega unko. Mosquito ke liye bhi aapko bola tha ki yahan to UVA lamp aur nahane ke baad aap use the dryer on the bed, that will be the best. Avoid food refried in the same cooking oil. Hum karte hain kadai jo hoti hai wo thodi si gehri le lete hain, doongi kadai, usme ek ek karke agar pakode talne hain to ek ek thode thode karke tal lo, jo oil bacha usko fenk do. Substitutes. Besan is a good cleanser. Ye jo vatna, you understand vatna, itni achhi cheez hai, hum logon ne isko ritual mein band kar diya. You will forget using these creams, cold creams. Vatna rakho, daily apply vatna, uske baad nahao, dekho skin will glow. Jitne aapke chhidra hain, moriyan hain, jo sab khul jayengi, skin will start breathing. Then milk cream, honey and glycerin, they are the very good, you know, moisturizers. Rose water, multani mitti. Pata hai isko, bachpan mein humne bahut use kiya. Then unboiled milk is a very good cleanser. Unboiled milk lekar body ko ragad do thodi der, sab gand nikal gaya, uske baad nahalo. You will not require to use anything else on your skin. So that is all. Thank you so much. So what I think, if you take note of a few of these things, you can change your own lifestyle and it will help you. Aapko ek to thakan nahi hogi agar subah uthte hi aap do ya teen glass pani pee lo, simple water. Sare din ki aapki jo water ki requirement hai wo enough rahegi. Ye zarur hai ki till lunch time aapko washroom mein do teen baar jana padega. But blood pressure, jitne toxins hain wo toxins sab nikal jayenge, good for you. Aur jitni bhi koi bimariyan parmatma kare koi na lage, agar koi aati bhi hai, ward off ho jayegi. If you are healthy in your selection of the food and additives on your body. Aap dekhiye cigarette, us pe likha aata hai injurious to health, they can't close it. It is the right of the person to manufacture whatsoever he wants. Market mein aapko poison milte hain, poison ki manufacturing khatam nahi hoti. Sarkar ke upar ye cheez nahi chhod sakte aap. Polythene bag. Both sides. Hum bhi avoid kare. Nahi dekho, main ye on the other hand main kuch aur kehta hu. Main kehta hu cigarette ko aap 1000 rupaye ki ek cigarette bana do. Tax itne zyada laga do, 1000 times tax. Polythene bag ke upar itne zyada tax laga do ki koi dukandar muft de hi gaya. From FDA or
FSSI, I mean. देखो इसमें एक चीज़ का आप ध्यान रखो कि anything in a product, इसके लिए there are norms. अगर आप ये लेते हो लेटर से colored food, उसमें लिखते हैं कि these are permitted flavors, permitted colors. परमिटेड कलर्स हैं एक सर्टेन कंडीशंस के ऊपर. वो कंडीशंस में है कि आपने एक बार खाया है, दो बार खाना है, बॉडी वेट कितना है उसके हिसाब से. बट ये हम भूल जाते हैं कि वो कंडीशंस क्या हैं जिस ऑन अंडर दोज कंडीशंस दीज आर परमिटेड. नोबडी सेज कि आप डेली वो वर्क वाली बर्फ़ी खाओ, लेड है उसमें. नोबडी सेज एक आध पीस का भी खाना है तो खा लो. उसके लिए लगाते हैं वर्क, इसलिए लगाते हैं कि ये सूख ना जाए. So these permissions are under certain conditions, okay. And we forget those conditions. Nothing wrong with it. Green tea is good. I don't take it because mujhe acidity hoti hai. Otherwise, with the tea, there is nothing wrong. Ye jitne bhi phenolics. These are all water soluble. अगर आप एक्सेस में लोगे then there is a problem. तो मैं चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट तीनों से सेंसिटिविटी है मेरी, पर फिर भी आई टेल यू अगेन, फिर भी मैं कभी कभी ज़रूर लेता हूँ कि भाई कभी दिल हो जाए तो भाई. कल मैंने रात को उसको बोला, मैंने कहा चाय बना, हैरान था मेरा जो कुक है, मैंने कहा दूध वाली बनाइयो. यू नो आई डोंट वॉन्ट कि मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा किसी चीज़ के लिए सेंसिटिव हो जाए. थोड़ा थोड़ा मैं उसकी सेंसिटिविटी फिर लाना चाहता हूँ. सो नथिंग रॉन्ग विद ग्रीन टी, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी ए गुड एंटी ऑक्सीडेंट. नथिंग, नो प्रॉब्लम विद इट, बट एक्सेस ट्राई टू अवॉइड. ऑर्गेनिक फूड तो है ही अच्छे, देयर इज नो प्रॉब्लम विद इट. कोई है प्रॉब्लम तो बताओ. ऑर्गेनिक फूड्स, oh yeah, that is really difficult to answer. You know, jitne bhi organic food ki yahan par hamare paas market bhi hai, ek isi kamre mein humne ek lecture bhi karwaya tha, and there are farmers who claim that they are growing only the organic food. That is expensive. The problem with them is that how to sell it. It is relatively more expensive than the other foods. तो मेरे पास आया कि डॉक्टर साहब इनकी मदद करो, आप तो एनवायरनमेंट के हो, आप तो ऑर्गेनिक फूड को प्रमोट करते हो. मैंने कैसे मदद करूं, कहते हैं इनको कुछ एडवांस दे दो. मैंने कितना एडवांस दे दूं, कहते हैं 10,000 दे दो एडवांस. मैंने 10,000 एडवांस दे दिया. मैंने कहा ले ले, चेक काट के दे दिया उसको. उन्होंने कहीं पर घरों के अंदर एक कमरा लिया हुआ, उसमें सेल करते हैं, वेरी एक्सपेंसिव. बट द प्रॉब्लम इज़ क्वालिटी इज़ नॉट देयर. उसने मुझे 1200 रुपए का किलो घी, वो घी मैंने टेस्ट करके देखा और वो इतना गंदा उसका टेस्ट. मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार ये तेरा ऑर्गेनिक तो है नहीं. अगर घर में आप बनाते हो घी, घर में मक्खन, दूध से मक्खन निकाल कर घी बनाते हो, उसका एक अच्छा सा फ्लेवर होता है. ऐसे उससे मैंने दालें ली, दालों के अंदर कुड़कुनू समझते हो आप, जो गलते नहीं, बहुत थे पत्थर, बहुत थे. मैंने अब किसी तरीके 10,000 रुपये अपने पूरे करने थे. मैंने कहा ये तू मुझे और बता क्या क्या चीज़ें हैं तेरे पास. उन्हें हल्दी अच्छी थी, हल्दी वो मैंने कहा 2 किलो दे दे, पैसे ख़त्म हो. यू नो द प्रॉब्लम इज़, उसको भी मैंने बोला, मैंने कहा यार तुम जो चीज़ें अगर ये बनाते हो, बेचते हो, क्वालिटी इम्प्रूव करो. ये मैं मानता हूँ दैट ऑर्गेनिक फूड की प्रोडक्शन विल बी रिलेटिवली लेस than the other industrialized, जो दूसरे नॉन ऑर्गेनिक फूड है. मेरे अपने घर में मैं जो करता हूँ प्योर ऑर्गेनिक फूड बनाता हूँ, जो उगाता हूँ यहीं पर, 100% ऑर्गेनिक. कोई हम पेस्टिसाइड और वो नहीं यूज़ करते, इंसेक्टिसाइड कुछ भी. इवन खाद भी अपनी बनाता हूँ. जो खुद की जो बनी हुई मूली या गाजर खाता हूँ, स्वाद आ जाता है. उसको ज़्यादा, उसको वो नहीं, प्योरीफाई नहीं किया हुआ, that is good. उसमें आयरन भी काफ़ी है, उसमें मिनरल एलिमेंट्स हैं. और पीपल से दैट इंस्टेड ऑफ दिस रिफाइंड शुगर, गो इन फॉर ब्राउन शुगर. और भी अच्छा है अगर जैगरी जो है ना, गुड़,
वो और अच्छा है। तो अगर आप कभी गुड़ वाली चाय पी के देखो एक बार, दूसरी चाय भूल जाओगे। और अगर बिना चीनी के पी के देखो, नज़ारा कुछ और हो जाएगा। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक।